सुप्रिया मैं आपसे शुरू कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है बजट तो, बड़े लोग खुश हैं कि 7 लाख तक अब टैक्स नहीं देना है, लोग मिडिल क्लास बड़ा खुश हो रहा है इन चीजों से। और सुप्रिया इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्या ये पॉपुलर बजट है या फिर चुनाव को अगर देखा जाए उसके लिहाज से बजट है, और क्या वाकई टैक्स का सरलीकरण जिसको लेकर इतना हाईलाइट किया जा रहा है वो हुआ है आपके हिसाब से? मैं इसका जो जवाब आपने सबसे पहले दिया पॉपुलिज्म, उसकी बात मैं बहुत साफ तौर से कहती हूँ कि ये सरकार बजट को ज्यादा बड़ा मानती ही नहीं है, बहुत सारी चीजें बजट के बाहर ही होती रहती है। पिछले साल इन लोगों ने फूड सब्सिडी में कुछ भी नहीं लिया था, उसके बाहर से किया, तो बजट के आंकड़ों में आपको नहीं दिखेगा जो सरकार बाकी करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पॉपुलिस्ट कहना या ना कहना अभी समझदारी का काम होगा, आप देखेंगे जब से इलेक्शन आएगा काफी चीजें होती रहेंगी। मेरे हिसाब से, और मैं आई डोंट थिंक मैं विशुद्ध आलोचना करना चाहती हूँ बजट की, मैंने 20-25 बजट कवर किए, मुझे कोई बड़ा आइडिया इस बजट में नहीं दिखा, और मेरे लिए वो दिक्कत की बात है। मेरे लिए वो इसलिए दिक्कत की बात है क्योंकि एक तरह से डिनायल ऑफ ग्राउंड रियलिटी है। आज की ग्राउंड रियलिटी बेरोजगारी है, आज की ग्राउंड रियलिटी महंगाई है, आज की ग्राउंड रियलिटी गरीबी है, आज की ग्राउंड रियलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसने उसको एडजस्ट किया है। और खत्म करने से पहले मैं एक चीज और कहूंगी कि डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। अगर आप फाइन प्रिंट देखें और आप पिछले साल के बजट को, जो इस साल का बजट था, जो 2023 वित्तीय वर्ष का बजट था, उसमें सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, पीएम किसान सम्मान के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एससी एसटी के लिए, ऐसी तमामों चीजों के लिए जो प्रॉमिस किया था उससे कम खर्चा किया है। मेरे लिए वो दिक्कत की बात है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पर भी प्रॉमिस से कम खर्चा होना एक प्रगतिशील देश के लिए बहुत मुश्किल बात है। मनरेगा को लेकर मुझे विशेष चिंता है, मनरेगा के लिए जितना बजट किया गया था उससे कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ा, लेकिन इस साल के बजट में उसको ऑलमोस्ट 33% कम कर देना, एक तिहाई काट देना, चुनावी साल में जैन जी आपको ऐसा लगा कि ये जो मिडिल क्लास है सबसे वॉसिफेरस कहिए या वो सामने आकर अपनी बात को बोलता है, और उसको कहीं ना कहीं लगा है कि 8-9 साल में आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए लास्ट में जो आपने थोड़ा सा टैक्स में राहत दे दी है, और दूसरी तरफ जो वो कह रही है कई स्कीम्स ऐसी थी जो कि सरकार को और खर्च उस पर बढ़ाना था, किसान सम्मान निधि से किसान बहुत उम्मीद कर रहे थे, वहां पर आपने थोड़ी कंजूसी दिखा दी। माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरदम एक दूरदर्शी और संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। पिछले अगर 4-5 सालों को आप देखें, ये भी वैसा ही एक बजट है, और इस बजट में कई सारे ऐसे ऐसे नीतियों को तैयार किया गया है जिससे सब लोगों को बहुत लाभ होने वाला है, और विशेष जो आपने पहले ही जिक्र कर दिया वो मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास में ना सिर्फ स्लैब्स को बढ़ावा दिया गया है, और नेहा जी को याद होगा जब हम लोगों ने जैन सर की क्लास की थी तो हम लोगों ने कहा भी था कि वो समय आ गया है कि उन स्लैब्स को हम लोग बढ़ा दें, और बढ़ा दिया गया है और सही किया गया है। लेकिन सिर्फ स्लैब्स को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, जो पुराना टैक्स रिजीम था जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन थे, बड़ा कंफ्यूजन था। और टैक्स एक्सपर्ट्स अपना पूरा दिमाग लगा चुके हैं कि आखिरकार जो नई रिजीम है उस पर क्यों शिफ्ट होना चाहिए, कितना फायदा होगा, कितनी आयकर में छूट होगी। लेकिन जो पॉइंट सुप्रिया ने कहा ना उस पर भी आइए, क्योंकि जो बजटरी एलोकेशन है 3 अहम सेक्टर्स थे जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने नजरअंदाज किया है। पहला, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई बहुत मेजर अनाउंसमेंट नहीं किया है। दूसरा, आपने मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जिसकी लंबे वक्त से दरकार थी। और तीसरा, जो इन्फ्लेशन दर है जिसको लेकर लगातार कंसर्न है, और कल भी जब इकोनॉमिक आउटलुक आया और सर्वे आया उसमें भी ये कंसर्न जाहिर की गई थी कि कैसे इस इन्फ्लेशन दर को कंट्रोल में किया जाए और आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये 3 मेजर इश्यूज जो है वो आज कहीं ना कहीं निराश करते हैं। आप बिल्कुल एक एक बिंदु जो आपने प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में चर्चा करने का मौका दे तो मैं बताऊं। पहले तो महंगाई पे आते हैं। महंगाई कब कम होती है? महंगाई तब कम होती है अगर विश्व में जो है ऑयल का जो दाम है वो कम होने लग जाए। जो आज के समय अगर आप देखें तो जो तेल का भाव है वो कम हो रहा है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती है। दूसरा, अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का निवेश करते हैं, जब हम लोग रेलवे में पैसा खर्चा करते हैं, एयरपोर्ट में पैसा खर्चा करते हैं, हवाई जहाज हमारे तेज चलते हैं, जैसे ये हवाई जहाज में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, उत्पादन की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ती है और इन्फ्लेशन उससे भी कम होता है। और तीसरा, आप फिस्कल डेफिसिट को देखें,
फिस्कल डेफिसिट 6.4% था, अब 5.9% आ रहा है। और जब फिस्कल डेफिसिट कम होती है तो हम लोगों को बोरोइंग्स कम करनी होती है, ऋण कम लेना होता है, और उस पर भी जो प्रेशर होता है महंगाई का, वो महंगाई का प्रेशर कम होता है। तो महंगाई को अगर हम लोगों को देखना है तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने कुछ घुमा दिया और महंगाई अपने आप कम हो गई। आपको चार पांच चीजें एक साथ करनी होती हैं। जब आप एक चार पांच चीजों को, जैसे मैंने कहा फिस्कल डेफिसिट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तेल का भाव, इन सब चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो महंगाई पे जो भी हम लोगों को नियंत्रण लगाना था वो हम लोगों ने किया है। साथ छोटी सी बात यहाँ पर जरूर पूछना भी चाहती हूँ और एक यहाँ पे उल्लेख भी करना चाहती हूँ। महंगाई की जहां तक बात है, महंगाई की बात को करते हुए हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि आरबीआई ने बहुत कुछ किया, सरकार ने क्या किया। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल का दाम, जो कि डिसाइड करता है हमारा दाम क्या होगा, $36 प्रति बैरल कम हुआ है पिछले 6 महीने में। क्या हमारा आपका पेट्रोल डीजल या एलपीजी का बिल कम हुआ है? क्या सरकार ने उसको घटाया? नहीं घटाया है। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप आरबीआई से अपेक्षा कीजिए और खुद कुछ ना कीजिए फिस्कल मेजर्स में, लोगों को राहत ना दीजिए, वो गलत है। और इनकम टैक्स की क्योंकि इतनी चर्चा है और मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाह भाई इनकम टैक्स कम हो गया, फाइन प्रिंट उसकी भी पड़ी है। सरकार कहती है हमारा रेवेन्यू आउटगो होगा 35,000 करोड़ और स्कीम के माध्यम से हमें 30,000 करोड़ मिलेगा, तो आप लोगों के हाथ में छोड़ कितना रहे? वो तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिस्पाइट और रिलीफ भी नहीं मिल रही है लोगों को। मुझे लगता है इस पर जानकारों से जरूर पूछना चाहिए, टैक्स एक्सपर्ट की राय लेते हैं। समीर सिंपल तरीके से मुझे समझाइए। देखिए मतलब वो बजट के दिन ना आंकड़े बड़े सारे आते हैं, बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि सच में किस पार्टी की बात मानूं। सचमुच में फाइन प्रिंट में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर जो कहा जा रहा है भाई अगर मेरी कमाई मान लीजिए 15 लाख एक साल में है तो मुझे फायदा हो रहा है? 37,000 रुपए टैक्स और 15 लाख रुपए। समीर पहले क्या था अब क्या है, वो सिंपल भाषा में, और एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि ये 3 से 6 लाख टैक्स लाभ है क्या, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओवर एंड अबव 7 लाख है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले तो 5 लाख तक हमें रियायत मिलती थी, अब 7 लाख तक मिल रही है, तो ये जो अलग अलग स्लैब जो 6 से 5 रिड्यूस हो गए, इसको एकदम आसान शब्दों में बताइए। कोशिश करता हूँ, आई थिंक ये सुबह से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। एक मेरा 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन थी पुराना, जहां हम सब लोग हैं जो 15 लाख से ऊपर की सैलरी और इनकम की बात करता हूँ मैं, हम पुराने स्लैब में थे, टैक्सेस पे करते थे, 2.5 लाख एग्जेम्पशन थी, उसको 3 लाख करा है। पहला हमारे को फायदा, हर बंदे को। अब मैं अभी HNIs की बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग टच करूंगा, मतलब मैं कितना भी कमा रही हूँ मुझे फायदा उसका जो 15 लाख सैलरी वाला। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग छोटे तबके के लोग थे, जो लोग 5 लाख रुपए की सैलरी और रिटर्न भरते थे, ये पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी लोग कंप्लायंसेस करें, रिटर्न भरे। आप 4,90,000 रुपए की रिटर्न भरो, आपका कोई टैक्स नहीं बनता। जो स्लैब पहले भी थी सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी 12,500 रुपए तक की, आपका 5 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता था। स्लैब थी, टैक्स था, एग्जेम्पशन मिल जाती थी उसको 80%। तो मतलब स्लैब सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। आपको हम हर आदमी को 2.5 से 3 लाख रुपए का जो 50,000 रुपए का फायदा मिला। अब रहेगी दूसरा स्कीम 2 जो पिछले साल आई, कि अगर आपने सेविंग करके डिडक्शन लेके 5 लाख तक एग्जेम्पशन लेके जीरो करना है टैक्स, आप वो मत करिए। आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई एग्जेम्पशन मत लीजिए, कोई डिडक्शन मत लीजिए, आप रिटर्न भरिए और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो प्लान बी था। और अगर आपने उस रिजिम में चले गए जहां आप फ्यूचर में भी कभी सेविंग डिडक्शन ATC नहीं लोगे, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता था और आपको होना था कि मैं नई स्कीम में आ रहा हूं, पुरानी स्कीम के लिए आपके दरवाजे बंद। अब उन्होंने चेंज करा, एक बार इन्होंने बोला कि 5 लाख नहीं, अब उनको 7 लाख करते हैं। इसके पीछे 2 मंशा है, हमारे से 2% कंप्लायंसेज हैं लोगों की जो रिटर्न भरते हैं, दे वॉन्ट पीपल शुड फाइल टैक्स रिटर्न। इसलिए नहीं कि उनको डेटा और ये वाला नहीं है रीजन, वो चाहते हैं लोग आए हैं सामने, रिटर्न भरे। रिटर्न भरने का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस रिटर्न भरने के बहुत सारे और फायदे हैं, लेकिन लोग कंप्लायंस से डरते हैं, CA के पास जाने से डरते हैं, गवर्नमेंट को डेटा देने से भरते हैं, लेकिन वो उन्होंने सिंपल फॉर्म बनाया कि आप रिटर्न भरे। तो एक लॉजिक ये है कि वो कंप्लायंस से चाहते हैं 5 से 7 लाख करा कि आपके 7 लाख की इनकम है, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब कैमरे के से दूर होइएगा, आपका कोई क्लाइंट आएगा उसको क्या कहिएगा, पुराना स्कीम में चले, नए स्कीम में चले? एक लाइन का जवाब, दो वर्ड का जवाब दूंगा। 15 लाख से नीचे वाला, इसके जो नंबर्स हैं इस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है,
कि मेरे को व्हाट इज माय आउटगो इन ओल्ड रीजन, 15 लाख से नीचे वाले को मैं क्लाइंट हूँ, कैमरा हमने बंद कर दिया, 15 लाख रुपए से नीचे पुराने स्कीम में चलूं, पुराने स्कीम में चलूं या नए स्कीम में चलूं, 15 लाख रुपए सरकार नई स्कीम को पुश कर रही है, बाय डिफॉल्ट अब वही आएगा, 15 लाख रुपए सालाना नई स्कीम बेटर है, उससे ऊपर कोई फर्क नहीं।